के बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हुती विद्रोहियों ने भारत की ओर से जिस जहाज को कब्जे में लिया था उसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में हुती विद्रोही हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद देखिए किस तरह से कर्मचारियों को बंधक बना लिया जाता है और इसके बाद आप देखेंगे कि कैसे हुती विद्रोही इसे चारों ओर से घेर लेते हैं और दूसरी ओर ले जाते हैं। देखिए ये पहला वीडियो जो है सामने आया है हुती विद्रोहियों का, किस तरह से उनकी तरफ से जहाज पर कब्जा किया गया। तो ये शिप भारत आ रहा था और समंदर में ही इस शिप को हाईजैक कर लिया गया। अब हुती विद्रोहियों ने ये पूरा वीडियो जारी किया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से ये जहाज पर उतरते हैं और पूरे जहाज को हाईजैक कर लेते हैं। विद्रोहियों ने भारत की ओर से जिस जहाज को कब्जा किया था उसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में हुती विद्रोही हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज पर उतरते हैं, फिर इसके जो कर्मचारी हैं वो उनको बंधक बना लिया जाता है। कैसे हुती विद्रोही इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और दूसरी तरफ इस जहाज को मोड़ लिया जाता है। जो यहाँ पर कैप्टन है शिप के, जो इस पूरे शिप को चला रहे थे, उस कैबिन के अंदर जाकर बंदूक के सहारे, बंदूक की नोक पर उनको बंधक बना लिया गया और पूरे शिप को हाईजैक कर लिया गया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं उस जहाज की जिस पर हुती विद्रोहियों ने कब्जा किया और किस तरह से वो हेलीकॉप्टर के जरिए इस जहाज पर जो पहुंचते हैं और उसके बाद एक एक करके जितने भी कर्मचारी वहां पर रहते हैं उन्हें बंधक बना लिया जाता है। ये देखिए ये वही शिप, वही जहाज यहाँ पर नजर आ रहा है जिसे हुती विद्रोहियों ने अपने कब्जे में लिया और हुती विद्रोहियों की तरफ से ही ये वीडियो जारी किया गया है। हुती विद्रोही हेलीकॉप्टर के जरिए जो ऊपरी एरिया होता है शिप का, उस पर जो है उतरते हैं, लैंड करते हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए देखिए किस तरह से यहाँ पर जो तमाम कर्मचारी इस शिप पर मौजूद हैं उन्हें बंधक बना लिया जाता है। बंदूकधारी हुती विद्रोही इस शिप पर पहुंचते हैं, इस जहाज के ऊपर जो है हेलीकॉप्टर के जरिए आते हैं और चारों ओर से इस पूरे शिप को घेर लिया जाता है और इस शिप को दूसरी ओर ले जाया जाता है। इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लिया जाता है। ये जहाज आप देख सकते हैं। तो यमन के हुती विद्रोहियों ने दक्षिणी लाल सागर में एक ब्रिटिश स्वामित्व वाले और जापानी संचालित मालवाहक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसका वीडियो सामने आया कि कैसे इसको कब्जे में लिया गया। बताया जा रहा है कि बहामास के झंडे वाले जहाज गैलेक्सी लीडर के चालक दल के 25 सदस्यों में कई देशों के नागरिक शामिल थे। हालांकि इसमें कोई भी इजरायली मौजूद नहीं था, यह भी जानकारी मिल रही है। और इसके बाद सभी को बंधक बना लिया गया है। 25 सदस्य इसमें बताए जा रहे हैं जिनको बंधक बनाया गया है। और अब हुती विद्रोहियों की तरफ से ये वीडियो जारी किया कि आखिर कैसे इन्होंने पूरे शिप को हाईजैक किया और कर्मचारियों को बंधक बनाया है।